फीमेल पार्टनर को पहली बार किस तरीके से तैयार करें, या फिर कहें तो फीमेल पार्टनर को किस तरीके से गर्म करें या उसे उत्तेजित करें। बहुत सारे लोगों में यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो अपने फीमेल पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों ने कहा था कि मैम हमारी फ़ीमेल पार्टनर डोंगी पोजीशन में नहीं करती है, तो मिशनरी में नहीं करती है, तो कैट में नहीं करती है, पोजीशन कई सारे हैं। बट आपके फीमेल पार्टनर किस पोजीशन में चाहती है, किस पोजीशन में उसको पसंद आता है करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो फीमेल होती है ना, वो अपनी पसंद नापसंद को कई बार अपने मेल पार्टनर के सामने कहने में हिचकिचाती है एंड शर्माती है। अपनी पूरी बात, अपनी पूरी पसंद, अपनी क्या सही है क्या गलत, उन सभी चीज़ों को अपने पार्टनर के सामने शेयर नहीं कर पाती है। वो अंदर ही अंदर शर्माती है कि हमारा जो पार्टनर है क्या सोचेगा, या वो करेगा कि नहीं करेगा, हमारी इच्छा को पूरा करेगा कि नहीं। इसीलिए हमने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि जब भी आप संभोग करने जाते हो तो उससे पहले अपने फीमेल पार्टनर का मूड देखो कि उसका मूड कैसा है। अगर सही है, खुश है या रोमांटिक मूड में है, तो उससे बात करो, उससे पूछो, और वहाँ पे उसको टच करते करते अगर आप रोमांटिक मूड में है तो उसे किसी भी उसके पार्ट्स पे टच करके, किस करके, वहाँ पे जैसे चुमन करके उससे पूछो कि आज किस पोजीशन में ट्राई करें, आज आप किस तरीके से करना चाहोगे, उसे पूछो। क्योंकि वो आपके पार्टनर है, जितना आपकी मर्जी शामिल है उतना आपके फीमेल पार्टनर के भी। बहुत लोग कहते हैं जब वो अपने पार्टनर है, जब सब कुछ अपना, तो उसे पूछने की क्या ज़रूरत है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वो शरीर जो उसका पार्ट्स है, जो आपका पार्ट्स है, आपको उसके अंदर डालना है। और उसको वहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम होता है, किस तरीके से दिक्कत होता है, कहाँ पर उसको ज़्यादा वो इन्जॉय करती है, वो सारे चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह सिर्फ इन्जॉय करने का चीज़ नहीं है। अगर उसके पार्ट्स में आपको संभोग करते समय अगर कहीं पर खनोज भी लग जाता है तो फटाक से इन्फेक्शन हो जाएगा। और वो इन्फेक्शन जैसे हाथ पैर में कहीं होता है तो मतलब थोड़े से समय बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो पार्ट्स ऐसा है जो कि सिर्फ छोटे से इन्फेक्शन से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए आपको उसी तरीके से करना चाहिए जिसमें आपके फीमेल पार्टनर को आरामदायक महसूस हो। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सरल तरीका बता रहे हैं जिसमें आप अपने फीमेल पार्टनर को जल्दी से संतुष्ट, जल्दी से गर्म कर सकते हैं एंड जल्दी से उसका पानी अस्खलित कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फीमेल पार्टनर बेड पर इस प्रकार से सीधे लेटी है, ओके, इस प्रकार से इसे सीधे लेटी है, तो उसके कमर को ऐसे हल्का सा ऊपर उठाकर नीचे आपको तकिया रखना है, तकिया रखना, उसके दोनों पैरों को अपने कंधे पर रखना है। ध्यान दें, उसके दोनों पैरों को अपने कंधे पर रखना है। अब यहाँ बैठकर आप आराम से कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपके फीमेल पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेगी और उसका पानी भी जल्दी से अस्खलित होगा और उसको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या दर्द भी नहीं होगा। इस तरीके से देखिए, मैं उन पुरुषों को बता रही हूँ जिनको अपने फीमेल पार्टनर के उत्तेजित करने में या उसको सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो आप एक बार इस तरीके से करके देखो, उसको दोनों पैरों को अपने कंधे पर रखें, उसके कमर के नीचे तकिया लगा कर करो, और जब भी करते हो तो कुछ आरामदायक बिस्तर पर करो ताकि उसके कमर पे, उसके पीठ पे जो हड्डियाँ होती हैं कोई उस पर दबाव ना पड़े। क्योंकि जब करते समय जब दबाव पड़ता है ना, तो कभी कभी जैसे कि मांसपेशियाँ इधर उधर हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो हमें अपने संतुष्टि, अपने खुशी, अपने इच्छा को पूरा करने के साथ साथ हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। तो अगर आपका टाइम कम है और आपके पार्टनर जल्दी से संतुष्ट नहीं होती है, उसका जल्दी से पानी अस्खलित नहीं होता है, तो उसको इसी तरीके से करो और वो बहुत जल्दी सर्टिफाइड भी हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के छोटे से वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला हो। अगर आज वीडियो पसंद आई हो तो और भी लोगों में शेयर जरूर करिएगा। ऐसे के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।